इस विषय पर तो मैं बिल्कुल जो है हाथ जोड़ करके सभी अपने उच्च अधिकारियों से और उच्च माननीय नेताओं से, राष्ट्रीय नेताओं से और प्रदेश के भी नेताओं से आग्रह करता हूँ कि दाम के लिए इंसान के जान को खतरे में रखना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब शराब की दुकान खुलेगी तो फिर कौन सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन अप करवाएं? शराब की दुकान खुलने का मतलब महाराज वो आदमी समाज को भी संकट में डालेगा और परिवार को भी संकट में डालेगा, और गरीबों के लिए, यहाँ जो गरीब घर के शराबी हैं वो तो समझिए कि नहीं, शराब के लिए भोजन भी परिवार में नहीं मिलेगा और शराब पी जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरा कोई पार्टी से और उसका विचार नहीं, मैं व्यक्तिगत विचार से आधार पर कर सकता हूँ कि अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक शराब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, नहीं तो समाज और भी भत्स रूप में हो जाएगा। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं अब अपने और व्यथा को रोक भी नहीं पा रहे हैं कि भाई खोलना ही है कि किसी को तो फल की दुकान खोलिए, दूध की दुकान खोलिए, दवा की दुकान खोलिए, कपड़ा की दुकान खोलिए, एक लिमिट के लिए खोल दीजिए, सब लोग अपना अपना काम चला लें और जो भी करना है प्रतिबंधित कर दीजिए, लेकिन शराब की दुकान किसी भी एंगल से, मेरे समझ से, मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जैसे राष्ट्र के विचारक की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि शराब जो है कि दुकान खोलने से सामाजिक अस्थिरता बढ़ेगी, समाज में अराजकता बढ़ेगी, समाज में चोरी चमारी बढ़ जाएगी और लॉकडाउन है तो दोनों चीज़ें एक साथ प्रासंगिक नहीं लगता है हमारे समझ से। मेरा प्रार्थना है, मैं तो अपना विचार ही प्रकट कर सकता हूँ कि अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक शराब पर बंदी रहना चाहिए। इनकम के लिए अन्यान्य जो भी स्रोत है कोई ज़रूरी नहीं, भले जो है कोई और सुविधा बंद कर दीजिए, कोई और सुविधा भले बंद कर दीजिए, लेकिन यह काम अभी रोका जाना चाहिए हमारे समझ से। मेरा प्रार्थना है, आग्रह है, वैसे तो भाई जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व और अधिकारी करेंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत आप जैसा चाहेंगे वैसा ही रहूँगा भाई, उनके ही निर्देश पर कब चल रहा है, हम लोग उनके अनुयायी हैं। मैं अपना अपील आप सबसे, समाज से और उनसे भी मैं कर रहा हूँ और सबसे मैं कहूँगा कि इस पर विचार होना चाहिए, और मैं मुक्त कंठ से कह रहा हूँ कि भारत की धरती पर यदि वास्तव में राजनीति के क्षेत्र में इंसान को भगवान बनाने के क्रम में कोई काम कर रहा है नेता, तो वो अकेले और अकेले नीतीश कुमार। कम से कम इतना गरीब प्रांत होते हुए भी एक बहुत बड़ी आमदनी के स्रोत को केवल इंसान को इंसान बनाने के लिए बंद कर देना नीतीश कुमार जैसे महान नेता के ही बस की बात है, और मैं उसकी इस भावना का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और बिल्कुल मैं कहता हूँ कि पूरे भारत में जो है शराबबंदी होना चाहिए।